नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम शिवाय, हरिओ हरिओ हरि। ध्यान और मंत्र जाप और कुंडली जागरण ध्यान आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले सब लोगों को प्रणाम। ध्यान और मंत्र जाप करते समय हर एक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि ध्यान और मंत्र जाप और कुंडली जागरण या आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हुए वो जितना जल्दी हो सके अपने ज्ञान को या अपने मंत्र सिद्धि को या आध्यात्मिक दिशा में जो वो पाना चाहता है उसको बहुत जल्दी पाले, ये उसका प्रयास होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, साधु हो या कोई सिद्ध पुरुष हो, उसकी एक ही इच्छा होती है कि ध्यान, मंत्र जाप, आध्यात्म, कुंडली जागरण या कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए वो कोशिश करता है कि वो उस दिशा में जितना जल्दी हो सके सफल हो जाए। कोई भी व्यक्ति जब कोई दिशा में आगे बढ़ता है तो उसके अंदर उसकी खुद की लालसा होती है, उसका एक खुद का ध्येय होता है कि ये कारण की वजह से, ये परिणाम की वजह से, ये वजह से वो आध्यात्म में आया होता है। कितने के पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं, कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कोई दुख की वजह से आध्यात्म, मंत्र जाप, ध्यान, साधना, कुंडली जागरण इस चीज में आ गए होते हैं। कितने ही व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बचपन से ही उनको आध्यात्म और भगवान के प्रति विशेष रुचि होती है कि आत्मा का ज्ञान और जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उसको जानने की उनके अंदर लालसा होती है। कितने ही व्यक्ति हैं जो इस दिशा में एक साल दो साल काम करके छोड़ देते हैं, वो एक साल दो साल काम करते हैं उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, फिर वो अपने नियमित जो दिनचर्या होती है उसमें लग जाते हैं और उसके बाद जब उनको कोई 4-5 साल बाद पूछता है कि आप कितने टाइम से साधना करते हो, आप कितने टाइम से कुंडली जागरण के लिए कोशिश करते थे, कितने टाइम से आप मंत्र साधना के लिए आप समय देते थे, तो वो उनका जवाब ये होता है कि पहले हमने किया था, बाद में छोड़ दिया था, फिर अभी कर रहे हैं। तो उसके बाद वो जहाँ से शुरू किए होते हैं वहीं पे वो आके खड़े हो जाते हैं। आप ये समझिए कि जैसे आप किसी खेत के अंदर फसल बोते हैं, कोई किसान है खेत के अंदर फसल बोता है, या आप घर में रहते हैं आपने गुलाब का पौधा लगाया, तो जब खेत के अंदर आप फसल बोते हैं तो फसल बो के आप उसको आपने उसके अंदर उसके बीज का रोपण किया, बीज का रोपण करने के बाद आपने सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद आप 6 महीने तक आप वहाँ पे गए ही नहीं, मालूम पड़ा नील गाय और दूसरे जानवर आके उसको खा लिए। आप साल भर के बाद गए कि मैंने यहाँ पे फसल बोई थी, फसल का क्या हुआ, तो फसल के अंदर आपकी फसल तो नील गाय या कोई दूसरे जानवर खा के चले गए। तो आपने फसल बोई लेकिन बाद में उसका ध्यान नहीं रखा और 6 महीने में कोई आपकी फसल को चोरी कर गया या कोई आपकी फसल को खा गया, और बाद में आके आपने कहा कि 6 महीने तक गया नहीं, मालूम पड़ा नहीं कि फसल कहाँ चली गई, फिर से बोऊंगा। आपने गुलाब का पौधा लगाया घर में,
शहरी वातावरण में लोग एक गुलाब का पौधा या एक छोटा सा पौधा गमले में लगाने का उनको इच्छा होती है। जब वो गुलाब का पौधा लगाते हैं और लगाने के बाद वो जो गुलाब का पौधा है वो अगर आपने लगाया है और लगाने के बाद उसको आप एक महीने दो महीने के बाद पानी देना बंद कर देते हैं, खाद देना बंद कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, फिर आप आए वहाँ पे छः महीने के बाद तो देखा गुलाब का पौधा तो सूख गया है। आपने किसी जानकार को बताया तो उन्होंने कहा कि गुलाब का पौधे को ये तो सूख गया, अब ये नहीं लगेगा, फिर से लगाओ। फिर आप बाज़ार से एक दूसरा गुलाब का पौधा लाए, मिट्टी को खोद के वो सूखे पौधे को फेंक दिया, फिर से लगाने की प्रक्रिया की। फिर आपने वही किया, दो महीने तक पानी दिया, तीसरे महीने उसको छोड़ दिया। फिर वो गुलाब का पौधा छः महीने के बाद फिर देखा, फिर गुलाब का पौधा सूख गया, फिर आपने उसको निकाल के उसको फेंक दिया। फिर आपने बोला कि अब नहीं लगाऊंगा, मैं जब गुलाब का पौधा लगाता हूँ तो वो सूख जाता है और वो गुलाब का पौधा सूख जाता है, इसलिए मैं गुलाब का पौधा अब नहीं लगाऊंगा, कुछ ज़रूरत होगा तो बाजार से गुलाब का पौधा खरीदूंगा लेकिन गुलाब का पौधा लगाऊंगा नहीं। आपने पूरा का पूरा गलती उस मालिक को दे दिया जिसने गुलाब का पौधा आपको दिया था। आपने पूरा का पूरा गलती उस खाद देने वाले को दे दिया कि जिससे खाद लेके आपने खेत में फसल बोई थी, लेकिन आपने ये नहीं माना कि आप छः महीने साल भर उस फसल को छोड़ के चले गए तो उसके बाद वो फसल आपकी दूसरे जानवर आके खा गए, या वो फसल को जो नियमित खाद पानी मिलना चाहिए नहीं मिला, आपने ध्यान नहीं रखा, उसकी वजह से आप कितने ही साल तक फसल बोते रहे, आपका फसल आपकी तैयार नहीं हुई, आपको अनाज खाने को नहीं मिला, गुलाब का पौधा लगाया लेकिन गुलाब आपको देखने को नहीं मिला, गुलाब आपको तोड़ने का मौका नहीं मिला, उसकी सुगंध नहीं मिली। उसी तरह से जब आप आध्यात्मिक की दिशा में, मंत्र जाप की दिशा में, ध्यान की दिशा में, कुंडलनी जागरण की दिशा में आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के टाइम पे आप कोशिश करते हैं कि मैं जब भी उस पौधे को, आध्यात्म रूपी पौधे को, सत्संग रूपी पौधे को, कुंडलिनी जागरण रूपी पौधे को मैं जब उसको देखूं तो वो जागृत का जागृत रहे, और आपने उसको छः महीने तक, साल भर तक के लिए छोड़ दिया, आपने छोड़ दिया, आप अपने स्वतः दिनचर्या में लग गए, आपने ध्यान देना बंद कर दिया और आपका आध्यात्म रूपी पौधा, आपका मंत्र जाप रूपी पौधा, कुंडलिनी जागरण रूपी पौधा वो दूषित हो गया, धीरे धीरे करके वो सूख गया, और सूख गया। और उसके बाद फिर आपने दो तीन साल चार साल के बाद फिर सोचा कि चलो फिर से मैं आध्यात्म रूपी पौधा लगाऊं। उसके बाद आप जहां थे वहीं के वहीं खड़े रहे, तो यानी जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान देते हैं, कुंडलिनी जागरण की दिशा में पढ़ते हैं, तो आपको नियमित उसके ऊपर नज़र रखनी होगी। ये मन बड़ा चंचल है, तो जब आप उसके ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, जब उसको नियमित खुराक नहीं देंगे, नियमित उसको मंत्र जाप ध्यान और योग की उसको खुराक नहीं देंगे, तब तक वो कैसे पौधा तैयार होगा, तब तक वो कैसे कुंडलिनी जागरण की तरफ बढ़ेगा, तब तक वो कैसे आपको कोई मंत्र सिद्धि देगा, तब तक वो कैसे आपको आध्यात्मिक दिशा में कुछ लेवल पे पहुंचाएगा। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति सोचता है कि मैंने दो महीना भगवान का मंत्र जाप कर लिया, दो महीना मैंने आँख बंद करके ध्यान कर लिया और मुझे स्वतः ही जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। व्यक्ति को मिल भी जाता है, जैसे ही दो महीना लो कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है या कुंडलिनी जागरण की दिशा में थोड़ा योग करता है,
योग करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि उसको पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ उसके अच्छे काम होने लगते हैं, घर परिवार में थोड़ी शांति हो जाती है। तो व्यक्ति उसके बाद उस बोई हुई 2 महीने की फसल को काटने के लिए तैयार बैठ जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको ध्यान से सुनिए। बोई हुई फसल को काटने के लिए तैयार बैठ जाता है और 2 महीने की फसल को तुरंत वो काट लेता है। काटने के बाद वो खुश हो जाता है कि अरे मेरा तो काम हो गया। 2 महीने की फसल को काट के वो फिर भूल जाता है, फिर वो मंत्र जाप ध्यान करना बंद कर देता है, कुंडली जागरण योग वगैरह सब करना बंद कर देता है। और वो जहाँ प्रतिदिन वो 30 मिनट का समय सुबह, 30 मिनट का प्रतिदिन समय शाम को देता था, उसकी जगह पे सप्ताह में एक दिन मंगल और शनिवार को मंदिर जाना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है तो महीने में एक बार मंदिर जाना शुरू कर देता है कि महीने में एक बार मंदिर चले गए, चलो बहुत हुआ, 25 रुपये का नारियल चढ़ा दिया, बस बहुत हुआ। वो ये भूल जाता है कि 2 महीने पहले उसने गुलाब का पौधा लगाया था, आध्यात्म का पौधा लगाया था, कुंडली जागरण का पौधा लगाया था, मंत्र जाप और ध्यान और मंत्र सिद्धि का पौधा लगाया था। वो पौधा सूख रहा है, लेकिन वो आत्मदिलाशा देने के लिए मंगलवार शनिवार को मंदिर चला जाता है, बोलता है मैं तो मंगलवार शनिवार को मंदिर चला जाता हूँ। फिर महीने में एक बार जाने लग जाता है। फिर धीरे धीरे करके उस पौधे को, भगवान की विस्मृति को, परमात्मा को भूलना चालू कर देता है और सारा दोष भगवान के ऊपर डाल देता है, उस माली के ऊपर डाल देता है जिसने उसको गुलाब का पौधा दिया था। यहाँ जो माली है वो परमात्मा है, यहाँ जो माली है वो भगवान है। उसके बाद जब वो कोशिश करता है, उसका पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है, उसके घर परिवार में तकलीफ दुख चालू हो जाता है। फिर वो जो महीने में एक बार मंदिर जाता था, वो धीरे धीरे करके शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, वो एक एक दिन, जैसे साल के अंदर 12 त्यौहार होते हैं, उस तरह से साल के अंदर जितने महत्वपूर्ण दिन हैं वो महत्वपूर्ण दिन पे ही मंदिर जाते हैं, महीने में एक बार जाना भी बंद कर देते हैं। धीरे धीरे करके वो 2 साल में फिर सिर्फ महत्वपूर्ण दिनों में भी सिर्फ 1 या 2 दिन ही जाना रखता है, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है उसकी। तो धीरे धीरे करके वो बहुत दुखी हो जाता है। दुखी हो जाने के बाद उसको 3 साल के बाद जब दुख एकदम चरम सीमा पे हो जाता है, तो उसको याद आती है कि आज से 3 साल पहले मैंने एक गुलाब का पौधा लगाया था, आज से 3 साल पहले मैंने एक गुलाब का पौधा लगाया था, एक आध्यात्म का पौधा लगाया था, एक मैंने मंत्र जाप और ध्यान का पौधा लगाया था, कुंडली जागरण का पौधा लगाया था। वो पहला पौधा मैंने भगवान नाम के एक माली से लिया था, वो माली ने मुझे पौधा दिया था, पर मैंने उसके बाद उसके अंदर खाद पानी डालना बंद कर दिया था। वो थोड़ा थोड़ा जाता है और जाके देखता है मन रूपी बाग में, कोई जगह पे वो जाके देखता है कि अरे मेरा पौधा कहाँ गया। किसी कोने में कुछ 2-3 पुराने सामान के पीछे एकदम दबा हुआ पौधा मिलता है। देखता है पौधा बिल्कुल सूख गया, एकदम सूख गया है, उसकी जड़ भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो वो दुखी हो जाता है, फिर वो सोचता है कि अरे ये मेरा पौधा तो सूख गया, अब इसमें आध्यात्म नहीं बचा, मंत्र जाप नहीं बचा, ध्यान नहीं बचा, कुंडली जागरण नहीं बची, योगा नहीं बचा। फिर वो सोचता है चलो माली तो हमारा परिचित है, वो परमात्मा हमारा परिचित है, भगवान हमारा परिचित है, वो कभी हमें ना नहीं भूलता है। तो जाता है वही माली, वही परमात्मा, वही आध्यात्म से, वही भगवान से जाके एक और दूसरा आध्यात्म के लिए एक फिर से गुलाब का पौधा ला के फिर से लगा देता है। उसके बाद लगाने के बाद वो पौधे को फिर से पानी देना चालू करता है, फिर से मंत्र जाप ध्यान शुरू कर देता है। अब इस बार अगर वो फिर से वही गलती करता है कि 2 महीने मंत्र जाप किया, ध्यान किया, आध्यात्म किया, कुंडली जागरण किया,
योग किया, उसके बाद 2 महीने में जो फसल इकट्ठा हुई तुरंत उसको खर्चा करने के लिए दौड़ गया बाजार में। और उसके बाद फिर से वो बोला कि देखो मैंने किया, मेरा काम हो गया, मुझे प्रमोशन मिल गया, व्यापार धंधे में फायदा हो गया, मेरे पति से मेरे संबंध अच्छे हो गए, मेरी पत्नी से मेरे संबंध अच्छे हो गए, मेरे दोस्तों से मेरे संबंध अच्छे हो गए, मेरे बच्चों से मेरे संबंध अच्छे हो गए, मेरा कर्ज चला गया। वो सब करने के दौरान उसी दिशा में दौड़ना चालू कर देता है, फिर वो भूल जाता है कि अरे मैंने पौधा लगाया, वो पौधे को पानी और खाद नियमित देना जरूरी था। जिस माली भगवान ने, जिस परमात्मा ने, जिस हमारे मित्र माली ने उसको पौधा हमको दिया था कि यह अध्यात्म का पौधा फिर से लगा, ये मंत्र जाप ध्यान का पौधा फिर से लगा, ये कुंडली जागरण योगा का पौधा फिर से लगा, और वो पौधा मैंने फिर से लिया, उसे कहा था कि नियमित पानी खाद डालना, मंत्र जाप ध्यान और खाद पानी डालना, नहीं तो पौधा मुरझा जाएगा। ये कोई ऐसा पौधा नहीं है कि जो लेके घर में रख दिया और चल जाएगा। पर व्यक्ति भूल जाता है, व्यक्ति भूल जाने के बाद कोशिश करता है, फिर उसको एहसास होता है कि अरे मैं तो सब भूल गया। फिर व्यक्ति मंत्र जाप और ध्यान के बाद फिर अपनी दिनचर्या में लग जाता है, फिर उसको थोड़ा फायदा होता है तो फिर शांत हो जाता है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता है फिर 4-5 साल भूल जाता है। फिर 4-5 साल भूलने के बाद जब खूब समय बीत जाता है तो उसको लगता है धीरे धीरे उसकी वृद्धावस्था आ रही है, धीरे धीरे उसको उसकी जो ऊर्जा है धीरे धीरे कम होती जा रही है। यही व्यक्ति के साथ होता है। व्यक्ति मंत्र जाप ध्यान आध्यात्म कुंडली जागरण योगा कुछ भी चीज करता है, करने के बाद वो शुरुआत में करेगा, उसके बाद वो जो नियमितता नहीं रहती है। कोई भी व्यक्ति नियमितता नहीं रहती है, जब नियमितता नहीं रहती है वो जैसे ही थोड़ा इकट्ठा होता है फसल काटने दौड़ पड़ता है, वो सोचता है मेरा इतना हो गया, मुझे करने की क्या जरूरत है। नियमितता करने के बाद उसको ये नहीं मालूम था कि उसके बाद उसको और ज़्यादा कुछ मिलने वाला था, उसको एक कंकड़ पत्थर या उससे ऊपर भी बहुत कुछ था उसके पास मिलने के लिए, और वो वहाँ पे जाके रुक गया। और आगे जाता तो उसको और कुछ मिलता, और आगे जाता तो और कुछ मिलता। वो चाहे इतना उपलब्धि पा सकता था, चाहे उतनी कीर्ति उसकी हो जाती थी, पर व्यक्ति का ये चीज होता है कि जब दुख आता है तो प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को याद करता है, जब सुख आता है तो प्रभु का स्मरण नहीं करता है। सुख में वो भूल जाता है, गोवा मनाली और दूसरी अच्छी अच्छी जगह जो उसके दृष्टि में अच्छी है वहाँ पे घूमने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि अभी तो मेरा काम हो गया, तो फिर जब आगे उसको कोई तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो उस समय के टाइम पे वो ऊपर देख के परमात्मा को, भगवान को, वो मालिक को ऊपर दृष्टि करके बोलता है कि हे प्रभु, मैंने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और उसको याद नहीं है कि उसने एक पौधा लगाया था और वो पौधा लगा के उसको खुराक देना बंद कर दिया। आपका मन इतना लेवल पे मरीन हो जाता है कि उसके बाद वो जो मन के अंदर जो आध्यात्म का गुलाब का पौधा लगाया था उसको खुराक दी नहीं तो वो पौधा है धीरे धीरे मुरझा गया। मुरझा जाने के बाद व्यक्ति को यह अनुभव हुआ कि धीरे धीरे करके मेरा जो आध्यात्म का पौधा था, मेरा जो जमीन जागरण का जो पौधा था, नली जागरण का जो पौधा था धीरे धीरे मुरझा गया। वो व्यक्ति जब देखता है तो रोता है, दुखी होता है कि काश मैंने जिंदगी के 10 साल इसी पौधे को दिए होते तो आज ये पौधा मेरे साथ रहता, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि 10 साल मैंने इस पौधे को दिए, पर वो 10 साल इस पौधे को नहीं देता, तो 2 महीने पौधे को देता है, फिर 4 साल चला जाता है, फिर 4 साल बाद आता है, फिर 2 महीने पौधे को देता है, फिर 4 साल चला जाता है, 4 साल आता है, जिंदगी के 10-12 साल उसी में चले जाते हैं। व्यक्ति की सोच यही होती है कि वो सिर्फ
एक मतलबी इंसान की तरह वो भगवान को तभी याद करता है, अध्यात्म को तभी याद करता है, मंत्र जाप ध्यान कुंडलिनी योगा को तभी याद करता है जब उसको दुख आता है। जब दुख आता है तभी वो दौड़ा दौड़ा आता है, जब तक उसको दुख नहीं आता है तब तक वो शांत बैठा रहता है। लेकिन व्यक्ति जब सुखी हो, व्यक्ति का जब सब कुछ अच्छा चलता है, हाथ पांव सही सलामत है, सब कुछ अच्छा है, परिवार उसके कहे में है, सब कुछ है, उस समय के टाइम पे अगर वो आध्यात्म रूपी पौधे को, मंत्र जाप ध्यान रूपी पौधे को, गुलाब के पौधे को नियमित खाद पानी देता रहता है, तो जब उसमें फूल आएंगे तब उसका लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा। माली ने तो आपको गुलाब का पौधा दे दिया, अब आप उस गुलाब के पौधे को सिंचन करो, ध्यान करो, किस तरह से करो वो आपके ऊपर है। मालिक ने कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं किया कि नहीं गुलाब के पौधे में जो गुलाब आएगा वो मैं ले लूँगा। भगवान ने तो आपको दे दिया, भगवान ने आपको सुंदर सा मन दिया, भगवान ने आपको सुंदर सा हृदय दिया, आप उसका कहाँ उपयोग करते हो आपके ऊपर। लोग मंत्र जाप ध्यान आध्यात्म कुंडली जागरण के अंदर नियमितता नहीं करते, नियमितता करेंगे तो वो सुखी हो जाएंगे, नियमितता नहीं करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। दूसरी चीज के जब मंत्र जाप ध्यान आध्यात्म लोग करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उससे बहुत सारे उनके काम हो जाते हैं। व्यक्ति को अपना मन वाणी और कर्म से अपने बुद्धि को एक जगह स्थिर रखना चाहिए, एकाग्र चित्ता रखनी चाहिए। अगर अपना मन को आपने स्थिर नहीं किया तब तक बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे होने में बड़ा समय लगता है। इसीलिए भगवान ने कहा हुआ है कि एकाग्र चित्ता होनी चाहिए, आपके अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए, आपके अंदर आपका मन स्थिर होना चाहिए, नहीं तो मटके की तरह मटके में ऊपर से पानी डाला दूसरे साइड से पानी निकल गया। आपके अंदर एकाग्र चित्ता होना चाहिए, मन को शांत रखिए, शांत रखिए, मंत्र जाप ध्यान आध्यात्म और कुंडली जागरण की दिशा में आगे बढ़िए। अगर मंत्र जाप ध्यान कुंडली जागरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए आप अपने मन को एकाग्रचित नहीं रखेंगे तो उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके अंदर सारा चीज जो है वो मन के ऊपर निर्भर करता है, आपके मन के ऊपर निर्भर करता है, आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। आपका मन हुआ तो आप एक पेड़ पर चढ़ गए, आपका मन हुआ तो आप पेड़ पर नहीं चढ़े, आपका मन हुआ तो आप पेड़ पे चढ़ गए। तो जब आपका मन हुआ तभी आप पेड़ पे चढ़े ना, अगर आप पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहोगे तो पेड़ पे चढ़ने के लिए कोई आपको बाध्य थोड़ी कर सकता है। उसकी जगह आप चलते रहिए, चलते रहिए, हो सकता है आप एक चक्र पे जाकर रुक गए, दूसरे चक्र पे जाकर धीरे धीरे करके आप सहस्रार चक्र तक पहुँच सकते हो। अगर आपका मन आपके कंट्रोल में रहा तो आप चार अच्छे काम कर सकते हो, आपका मन आपके कंट्रोल में रहा तो आप सेवा हितार्थ ऐसे काम कर सकते हो कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करते हैं। आपका मन कहा तो आप ऐसे काम कर सकते हो कि जिसकी वजह से आपने ऐसे पानी की व्यवस्था की कि जिस पानी को 10 साल तक लोग पी रहे हैं और आप वो पानी पी के लोग याद कर रहे हैं कि किसी फला व्यक्ति ने पानी की व्यवस्था की है। हम जाने वालों के प्यास का जिसने भी ये प्यास बुझाने का प्रबंध किया है वो बहुत धर्मात्मा होगा। आपका मन कहा और आपने ऐसे खाने की व्यवस्था की है कि वृंदावन में, मथुरा में या कोई आपके घर के आसपास भी आपने ऐसे खाने की व्यवस्था की कि लोग अगले 10 साल 15 साल तक भी आपके मर जाने के बाद भी याद करते हैं कि ऐसे खाने की व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति जिसको भूख लगी है वो उधर रुक के खा सकता है। तो ऐसा विचार आपके मन में ही आ सकता है। आपके मन में दूसरा विचार भी आ सकता है कि आप यहाँ से दुबई, सिंगापुर या कोई कंट्री में जाके घूम के वही पैसे को खर्च करके आ जाओ। तो आपके हाथ का पैसे को आप कैसे उपयोग कर रहे हो आपके मन की स्थिति पे ही निर्भर करता है। आपका मन ऐसा भी हो सकता है कि आप मंदिर में जाके या कोई तीर्थ स्थली में जाके वहाँ पे बैठे बैठे आप 2 घंटे 3 घंटे मंत्र जाप ध्यान करो, भगवान का नाम लो, कुंडली जागरण योग पे ध्यान दो। आपका मन ये भी कर सकता है, आपका मन ये भी कर सकता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे जाके कोई जगह पे अपना समय को व्यतीत करके सिनेमा हॉल या कोई जगह पे बैठ के आप अपना समय व्यतीत करें। आपके मन की स्थिति है। आपका मन ये भी हो सकता है कि आप चलते चलते बिगैर कोई चप्पल पहने हुए नंगे पांव आप
कोई मंदिर या तीर्थस्थली पे जाओ या कोई जगह पे जाके आप अपने पास के ही कोई मंदिर पे जाते हो और आपका मन ये भी कह सकता है कि आप अपना गाड़ी या अपना साधन लेके आप ऐसे ही घूम के 50 किलोमीटर का पेट्रोल खर्च करके घूम फिर के आप वापस आ जाते हो और बोलते हो क्या करने गए, बोले मैं हवा खाने के लिए गया, घूमने के लिए गया। तो आपने 50 किलोमीटर में उतनी जगह जाके आप घूम के आए और दूसरी तरफ आपको लगा कि मेरे पास के आधा किलोमीटर दूर मंदिर पे मैं नंगे पाँव या चलते हुए मैं मंदिर गया, तो उसके अंदर भी आपका उधर 50 किलोमीटर का पेट्रोल खर्च हुआ, इधर आपका कुछ खर्च नहीं हुआ। लेकिन आपने जो इधर गुलाब का पौधा लगाया, वो गुलाब का पौधा कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। आपका मन ये भी कह सकता है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ अच्छी बातें करें, उसके अंदर कुछ संस्कार सिंचन करें जिससे उसको लगे कि हाँ मेरे पिताजी मेरे साथ जाते हैं मंदिर, या मेरे पिताजी मुझे चार अच्छी बातें बताएं। आधा घंटा एक घंटा सब मोबाइल को एक तरफ करके बच्चों के साथ बैठ के संस्कार सिंचन के लिए उसके साथ बैठ के बातचीत करें। और ये भी हो सकता है कि आप 2-3 घंटा मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं, या 2-3 घंटा आप कोई दूसरी जगह पे आप जाके कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मन की स्थिति ऐसी है कि आपको लगा कि नहीं, मुझे मेरे परिवार के बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, उनके साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। तो वो जो आप उस पर संस्कार सिंचन करेंगे, वही 10 साल के बाद आपका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको नियमित आदत रहेगी कि नहीं, मेरे परिवार के मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे संस्कार दिए जिसकी वजह से मैं नियमित मंदिर जाना, ध्यान करना, पूजा करना, ये सब मुझे आता है। तो ये सब बातें व्यक्ति के अंदर के मन की स्थिति होती है। व्यक्ति के अंदर के मन की स्थिति जैसी होगी वैसा ही चीज के अंदर उसके विचार होंगे। अगर व्यक्ति के मन की स्थिति वैसे नहीं होगी तो व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने आप को बदलता रहेगा। यहाँ से लोग विदेश जा रहे हैं, विदेश के लोग यहाँ पे आके ऋषिकेश, वृंदावन, वो सब जगह पे आके बैठ के भगवान का मंत्र जाप ध्यान सीख रहे हैं। हम वहाँ की पढ़ाई सीख रहे हैं, वो लोग हमारी पढ़ाई सीख रहे हैं। हम यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो लोग वहाँ से यहाँ पे आने के बाद वृंदावन में रुके, वृंदावन में बस गए, ऋषिकेश, काशी, वो सब जगह बस गए, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो चीज़ है वो नित्य है। और हमारे पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि और वेद के जानकार थे, वो लोग का जो ज्ञान था वो आजकल के साइंटिस्ट और साइंस उसके सामने फिर उतना गूढ़ ज्ञान उनके पास था, जो बात वो समझ गए। इसीलिए बच्चों को अधिक से अधिक हमारे पुराने वेद, संस्कार और वो सब के बारे में उनको ज्ञान मिलना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे वेद ऋषि मुनि ने जो बताया था उसके अंदर आजकल का साइंस आज उसी चीज़ को उपयोग करके बेस बना के सब काम कर रहा है। तो जो भी ये जो स्थिति है वो मन की स्थिति होती है। मन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी तो आपके मन में सुसंस्कार आएंगे। गायत्री मंत्र के अंदर वही है, गायत्री मंत्र के अंदर उसका अर्थ देखेंगे तो उसके अर्थ में वही है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें सत्कार्य में लगाओ, हमारे मन में सुविचार लाओ। आपके मन में सुविचार आया तो आप चाहोगे वो चीज़ कर सकते हो, आपके मन में सुविचार आया तो आप चाहो वो चीज़ का निर्माण कर सकते हो। लेकिन वही है कि आप कितने दिन करते हो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तब आप वो मालिक को, परमात्मा को, भगवान को एक तरफ कर देते हो, हाथ जोड़ देते हो कि भाई अब मेरे को आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर जब आपको तकलीफ होती है, दुख होता है, तो दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हो। ये स्वार्थपूर्ण व्यवहार जो भगवान के साथ व्यक्ति करता है तो वो चीज़ के अंदर जब आगे दुख आता है तो फिर से दौड़ा दौड़ा भगवान के पास जाता है। भगवान श्वास की तरह है, जैसे श्वास लेना आप नहीं छोड़ते, उसी तरह से भगवान को याद करना, भगवान का मंत्र जाप, ध्यान, चिंतन करना, योग करना, कुंडलिनी जागरण जल्दी से नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे श्वास लेना हम नहीं छोड़ते, 12-1 बजे हमारे को भूख लग जाती है, पेट का खाना हमको तुरंत चाहिए होता है, उसी तरह से आपको याद होना चाहिए कि अरे आज भगवान का मंत्र जाप नहीं किया, अरे आज भगवान का ध्यान नहीं किया,
अरे आज कुंडली जागरण के ऊपर काम नहीं किया, योग नहीं किया, ये चीज़ नियमित होनी चाहिए। अगर नियमित है तो आप सही हो, अगर नियमित नहीं है तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर दुख आएगा, फिर आप वापस उसी भगवान अपने मित्र के पास जाओगे और भगवान बोलेंगे कि अभी तक कहाँ था, 4 साल, 4 साल तो घूम रहा था। हम तभी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं जब हमको जरूरत होती है, कि सत्यनारायण भगवान की कथा में कहीं 500 खर्च होता है, 1500 खर्च होता है, तो क्या हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करा सके? लेकिन लोग नहीं कराते लोग आप देखेंगे कि साल में एक बार कराएंगे, 2 साल में एक बार कराएंगे, 3 साल में एक बार कराएंगे। क्या इतना व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है? इतना तो मोबाइल के रिचार्ज में खर्चा कर देता कि महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करा दे। महीने में एक बार नहीं, 2 महीने में एक बार कराओ, लेकिन हम नहीं कराते। कौन कराता है सत्यनारायण भगवान की कथा? कराना चाहिए। लोग महीने में एक बार नहीं कराते, 2 महीने में एक बार नहीं कराते, लोग गैप दे देते हैं, एक एक साल का समय लगा देते हैं, और मात्र एक पंडित को ढूंढो सत्यनारायण भगवान की कथा करो। वो सबसे हमारे बच्चे जब देखते हैं तो उनके अंदर एक संस्कार फीडिंग होता है, बच्चों को संस्कार जाते हैं कि नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, मेरे पिताजी कराया करते थे, मैं भी नियमित कराऊंगा। तो संस्कार उसके अंदर आते हैं। आप जब तक संस्कार नहीं डालेंगे तो उसके अंदर संस्कार कहाँ से जाएंगे? हम तो उसको पिज़्ज़ा पार्टी सिखाते हैं कि जाओ चलते हैं, यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने आना है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, इसका पिज़्ज़ा, उसका पिज़्ज़ा है, वो मैदे की रोटी, और उस तरह से करके हम उसको संस्कार पार्टी सिखाते हैं कि भाई पिज़्ज़ा खाना चाहिए। अरे भाई, उसकी जगह उतना ही पैसा बचा के 2 महीने 3 महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, देखो घर परिवार में कैसी शांति रहती है, अच्छा चीज होता है। किसी को सुंदरकांड का पाठ कराओ, 1 महीने 2 महीने में सुंदरकांड का पाठ 2 घंटे में हो जाता है। सुंदरकांड का पाठ करवाओ, सुंदरकांड का पाठ वो सुनेगा तो उसके कान में वातावरण पवित्र होगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। गायत्री मंत्र का हवन कराओ, गायत्री परिवार से किसी से कांटेक्ट करके बोलो कि भी गायत्री हवन कराना, वो लोग तो आते हैं, आप वो चीज़ कराओ। सामग्री का थोड़ा खर्चा होगा, बस 2 महीने 3 महीने में एक बार तो करा सकते हो। ये सब चीज़ें संस्कार है। पहले के लोग जो थे, जो 1980 के पहले, 1990 के पहले का जिनका जन्म है, या पहले के जो लोग हैं, पुराने लोग हैं जो अब नहीं रहे, वो लोग ये बातों को समझते थे और सुखी रहते थे। उनके उधर एक व्यक्ति 6-6, 7-7 बच्चों को पालन पोषण कर लेता था, 3-3 लड़कियों की शादी कर लेता था, सब कुछ हो जाता था। अभी के टाइम के अंदर व्यक्ति के 4-4 लोग कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ते हैं। पहले के टाइम पे एक व्यक्ति कमाता था, 6-6, 7-7 बच्चों का लालन पालन सही तरह से करके कंप्लीट कर लेता था। अभी के टाइम ऐसा क्या हो गया है कि व्यक्ति इतना दुखी है? अभी के टाइम पे ऐसा क्या हो गया है कि व्यक्ति सिर्फ दुखी है, कर्जे में डूबा हुआ है? उसके पीछे रीज़न यही है कि व्यक्ति हमारी सनातन संस्कृति, पुरानी संस्कृति को भूल गया है, सत्यनारायण भगवान की कथा कराना भूल गया है, गायत्री मंत्र का हवन कराना भूल गया है, सुंदरकांड का पाठ कराना भूल गया है, व्यक्ति भूल गया है। इसीलिए व्यक्ति की कैलकुलेशन बदल गई है, व्यक्ति को हमेशा धन कम पड़ने लगा है, व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, चिंतित बना रहता है। तो जो चीज़ है, हम उस माली, उस परमात्मा, उस भगवान को जो देने वाला है, उसको हम भूल गए। वो माली परमात्मा जिसने हमें गुलाब का पौधा दिया, वो तो देकर उन्होंने दे दिया, पर हम उसको भूल गए। अब हम माली को याद नहीं करते, परमात्मा को याद नहीं करते, उसको हम भूल गए। और माली बोलता है, मेरा गुलाब का पौधा दिया था, उसका क्या हुआ? आध्यात्म रूपी पौधा दिया था मैंने, मंत्र जप ध्यान कुंडली जागरण योगा रूपी पौधा दिया था, वो क्या हुआ? आपने 2 महीने पानी डाला, बाद में वो सूख गया। तो जब वो पौधा सूख गया, तो सूखने के बाद आप किसी को, आप उसके लिए दूसरा रोपण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय वीर हनुमान, ओम नमः शिवाय। माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, सभी देव देवताओं की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ओम 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 ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
हरिओम 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 हरिओम।